एक लड़का है दीवाना सा, घूमना फिरना उसे पसंद है। नजरें उठा के बाइक पे बैठ के गलियों से गुजरता है, चोरी चोरी चुपके चुपके वो प्लान्स बनाता है। कुछ बड़ा काम करना है उसको, जाने कब किस्मत साथ देगी। जब भी व्लॉग बनाता है ये बंदा, लोगों को जानकारी देनी है इसको, ये कोरोना में कैसे घूमा जाता है, ये कोरोना में कैसे घूमा जाता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था। What's up guys, कैसे हो, कैसे कहे मंडली, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल वांडरर राइजिंग। हियर आई होप ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आफ्टर सो मच एफर्ट्स आई एम ऑल सेट टू राइड। बैकपैक हो गया है, टैंक का बैग आपने बहुत दिनों बाद देखा रहेगा। एंड आई गॉट दिस न्यू बैग एक्चुअली, दिस इज आइस बॉक्स। आइस बॉक्स, ये एक ऐसा व्लॉग रहने वाला है जिसमें मल्टीपल एडवेंचर एक्टिविटीज थ्रिलिंग रहने वाला है, सब मज़ा आने वाला है। सो ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस व्लॉग मज़ेदार रहने वाला है, बहुत हैपनिंग रहने वाला है, क्योंकि मोटो व्लॉग होगा, कैंपिंग होगा, कुकिंग होगा, फिशिंग होगा। ये एक्टिविटी हम लोग जो कर रहे हैं, ये जो इवेंट हम लोग करने वाले थे कैंपिंग, उसमें एक्चुअली 10 लोग आने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली सब ने टांग दिया। बहुत गुस्सा आता है, टांग देते हैं ना, कैंसिल होता है प्लान। और स्पेशली ये एक्चुअली लास्ट वीकेंड होने वाला था प्लान, बट अभी हम लोग ने पोस्टपोन किया बाकी सब लोगों के लिए, और फिलहाल हम लोग सिर्फ 2 ही जन जाने वाले। ऐसा लगता है कि खुद ही जाना मांगता है, अभी लोगों को पूछना ही बंद करना मांगता है, क्या बोलते हैं गाइस। एनीवेज कोई बात नहीं, हम लोग ने एक वीक पूरा वेस्ट किया अकॉर्डिंग टू दैट, कोई बात नहीं। फुल मून उस टाइम पे रहता था, अभी फुल मून नहीं रहेगा क्योंकि होली होके चली गई है। सो थोड़ी सी चांदनी रात कम रहेगी, चांदनी सितारों वाली रात रह सकती है, चांदनी वाली रात थोड़ी कम हो जाएगी। तो एनीवेज गाइस चलो एंजॉय द मोटो व्लॉग, कैंपिंग व्लॉग, फिशिंग व्लॉग, और क्या, चिल वाइब्स। फिलहाल मेरे साथ रहने वाला है अभिषेक, जिसके पास KTM ड्यूक 200 है, तो वो और मैं ही जाने वाले हैं। एनीवेज गाइस चिल द व्लॉग, एंजॉय द व्लॉग। सर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सनराइज वगैरह काफी हो चुका है, सनराइज के बाद हम लोग निकल रहे हैं बाय द वे ड्यू टू दिस नाइट कर्फ्यू, और मुझे पेट्रोल भराना है, सिर्फ 3 डंडी है। तो बेसिकली सनराइज काफी पहले हो चुका है, इट्स बीन 8:15 नाउ, 8:15 हुआ है, और आई होप सो 8:30 तक हम लोग पर्स पे से निकले, क्योंकि 1 hour 30 minutes का राइड है हम लोग का, सिर्फ कामशेद जाना है। बट इसके पहले थोड़ा बहुत हम लोग को बाजार में से सामान लेना है, वो सामान बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग भूखे मर जाएंगे। मरेंगे तो नहीं, 2 दिन की बात है, भूख सह सकते हैं 2 दिन के लिए, बट थोड़ा बहुत सामान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेना है, आइस लेना है हमको। हमारा जो अभिषेक बंदा है, दोस्त है हमारा, राइडर है, हम जैसे ही थोड़े बहुत शौक रखते हैं, सिमिलर शॉक वालों का वाइब्स ही सिमिलर समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी लोगों को बहुत इच्छा रहती है, कुछ लोगों को, बाकी सब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत इच्छा रहती है कि राइडिंग करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, एडवेंचर एक्टिविटीज होनी चाहिए, तो समवट हम वो कर रहे हैं। सो वी आर लिविंग इन आवर पैशन लाइफ, पैशन ने अपने बजवाया है ड्यूक 390। ग्रीन सिग्नल हो गया और हमारा सफर अब शुरू हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, कलमबोली से डायरेक्ट आ गए यहाँ पे, वन एंड ओनली जन्नत ऑफ महाराष्ट्र। फिलहाल हम लोग लोनावला के एकदम करीब है, एकदम करीब, और ये जो रोड है ना, मजा आता है। एक बात कहता हूँ दोस्तों, आज सैटरडे है, और सैटरडे होके आज क्राउड बहुत कम है, तो ऐसा लगता है कि लोगों ने पालन किया है, कोरोना फॉलो कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, 900 टाइगर, 900 ड्रीम है मेरा, ड्रीम ट्रायम टाइगर 900 यार, चीटी। एक मिनट भाई, ओ ये निकल दे तेरा, ये हैवी कर रहा है मेरे। ये वजन आड़ा टेढ़ा कर रहे थे, ये स्टेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये जो माउंट किया था, ये पूरा टेढ़ा का टेढ़ा हो गया था,
पीछे से भाई साहब हॉर्न बजा रहे थे, तब कभी समझ में आया भाई तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेट भी हो गया और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट भी हो गया। मेरा जो बंजी कॉर्ड था उसका एक हुक टूट गया, थोड़ा हम लोग ने ओवरवेट कर लिया था, नहीं करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम लोग ने अभी कैसे वैसे टाई कर लिए। और अभी वो जो टेंट था हमारा एक्स्ट्रा टेंट, वो निकल के अभी अभिषेक के बैक पे लगा दिया, तो क्या है अभी अभी सेफ है होपफुली, कोई नहीं देखते। और एक बात, अभी हम लोग बहुत थक गए, हम लोग एक्चुअली 10:30 को पहुंचना चाहिए था वहां पे, वी आर बिहाइंड द शेड्यूल। अरे भगवान, मेरा जैकेट बार बार गीला हो रहा है पसीने से, गर्मी सिर्फ बाइक रुकाने के बाद पता चल रही है, अदरवाइज ऐसे तो गर्मी फील नहीं हो रहा मुझे। ऐसे इतना धूप हो के 10:30 बजे का धूप भी धूप नहीं लग रहा, बट रुकूंगा, वो जैकेट गीला गीला। कॉफी की चुस्की एंड कामल्स, नाश्ता वास्ता करके हो गए, बटाना वड़ा, पाइनएप्पल चिला, मसाला डोसा, मेदू वड़ा, आगे मिलते हैं आपको। सो दोस्तों, लोनावला हम लोग पहुंच गए, इट इज फेमस फॉर चिक्की, जहाँ पर भी आप देख सकते हो लोनावला चिक्की, सेवन हिल्स, ये वो सब है। ओके, हमारे दोस्त पीछे रुके हैं। हाँ, योकोहामा के टायर्स ऐसे एक बार बिठाना पड़ेगा। तो बेसिकली गाइस, हम लोग कामशेद के इंटीरियर्स में आ गए और यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा डाइसी माइंडेड है, जहाँ पे हम लोग ने मैंने पैराग्लाइडिंग का कोर्स किया था उसके आसपास करे या कोई नई जगह एक्सप्लोर करे। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग किया था उसके आसपास तो छाव नहीं है एज फार एज आई नो, और कहीं छाव ढूंढना है तो कसरत करनी पड़ेगी। आइसोलेटेड जगह पर आकर सुकून लगता है, शहरों में वो लोगों से डर लगता है दोस्तों, सीरियसली। इसलिए मैं लोगों से थोड़ा दूर आया हूँ, बट आपके पास रहने वाला हूँ थ्रू दिस व्लॉग्स सेशन, आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा। बाय द वे, यहाँ से जो रास्ता जाता है वो है हमारा एक पैराग्लाइडिंग साइट, जो कि मैंने बताया था शेलार हाइट्स, शेलार हिल्स, वो यहाँ पे है। ये देखो भाई, ये देखो खेत खलियान, ऐसा उनका लाइफस्टाइल है, देखो बढ़िया। हाँ, सही में अच्छी लाइफस्टाइल है, मतलब गिने चुने लोग मिलजुल कर रहते हैं गांव में, छोटे छोटे गांव में, अच्छा लगता है। बाहर का भी साइट पे लेकर जाते हैं आपको, चलो। सो गाइस, हम लोग को साइट हमने डिसाइड कर लिया है, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग द आइसोलेटेड स्पॉट, तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा साइट रहने वाला है। टेक अ लुक ऑफ 360 व्यू। ब्यूटी। सो हम लोग ने सोचा है कि वहां पे हमारे दो टेंट्स रहने वाले, एक वहां पे एक वहां पे, और यहाँ पे जो ट्रीज है ये ट्रीज पे हम लोग हैमॉक बांधने वाले हैं। तो हम लोग के पास दो हैमॉक है, तेरे पास भी है ना, तूने नहीं लाया, एक ही हैमॉक है। बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा होने वाला है, मेरे को सोने दे, मेरे को सोने दे। तो यही है गाइज, हवा बहुत तेज चल रही है, दिन कर रहा हो टोपी संभालो। तो ये सीन है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, इतना पसीना पसीना होने के बावजूद यहाँ पर आने के बाद सुकून लग रहा है। द फीलिंग, द पीसफुल, द फ्रीडम, और न जाने कौन कौन से शब्द मन में आ रहे हैं अनगिनत दोस्तों। सो चलो गाइज, अभी टाइम है ड्रेस कोड चेंज करने का। ये काम करना पड़ेगा, बर्तन थोड़ा घर पे से जो धोके लाया है, अभिषेक पकड़ रही, विम बार खरीदा है, स्क्रॉच बाइट थोड़ा धो लेते। विम बार की चमक, क्या पता विम बार बर्तन जो भी है सबका, सबकी चमक एक साथ हो गया।
अच्छा खासा ना मैं। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, टेंट लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आप गेस कर सकते हो कि कितनी तेज हवा है। बहुत मस्त है, तगड़ी हवा है, तेज मतलब ऐसा तूफानी एकदम स्ट्रॉन्ग विंड्स। और बाय द वे अभी बजा है 4:30 को, 4:30 को हम लोग खाना खा रहे। मैं अभी थे और मैं हूँ यहाँ, हमारी लंच डेट चल रही। पारी वो पुराना हो गया यार, पारी वारी क्या है, पावली पावली। मेरे को तो वो पसंद नहीं आया था चीज। क्या सोशल मीडिया वाले भी एक कुछ डालते हैं, कुछ भी अनाप शनाप करते रहते हैं। ठीक है, अपन भी सोशल मीडिया वाले ही है, बट मस्त है। फिलहाल पनीर ग्रेवी विथ राइस आई एम एंजॉइंग। और बैटरी खत्म होने आया दोस्तों, बैटरी चेंज करता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर आई विल गेट बैक टू यू। सो बेसिकली हमारा टेंट हो गया और टेंट में रिलैक्स कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा रख रहे हैं कुछ भी काम नहीं करो, बट और बहुत काम करना बाकी है। फिशिंग करना है, हैमॉक लगाना है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे जगह पर आकर ऐसे लग रहा है कि मजे चल रहे हैं हमारे, बट काम भी उतना ही करना पड़ता है। बाय द वे आपको व्यू एंजॉय करना है, मेरा ये व्यू है अभी फिलहाल, आई एम एंजॉइंग दिस व्यू। यहाँ से होने वाला है सनसेट एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। इसके पहले दो काम करने हैं, हैमॉक लगाते हैं और फिशिंग करते हैं, बस दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, हैमॉक थोड़ा हम लोग डिले कर रहे हैं, हैमॉक हम लोग रात को भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी सनसेट होने को बहुत नज़दीक टाइम आ गया है, हम लोग ने बहुत टाइम वेस्ट किया बाय द वे। और अभी हमारे अभिषेक साहब फिशिंग के लिए थोड़ा नीडल सेट कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पे कामशेत बाज़ार से ये तंगूस धागा लिया था, ये 50 रुपये का एक रील आता है, ऐसे हम लोग ने दो लिए। ज़रूरत तो नहीं है बट आगे फ्यूचर में काम आएगा तो लेके रख दिया हम लोग ने। हम लोग का हैमॉक यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, ब्लू कलर वाला। तो हम लोग ने जुगाड़ क्या किया है दोस्तों, हम लोग के पास फिशिंग स्टिक नहीं है। फिशिंग स्टिक के बदले हम लोग ने, ये मेरा ट्रैकिंग स्टिक है, उसमें हम लोग फिशिंग पोल बना रहे हैं। वाह, देखा बाय द वे अभिषेक ने पहले फिशिंग किया है, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। फर्स्ट टाइम फिशिंग एक्सपीरियंस कर लेते, आज हम एक की जान लेने वाले। एक्चुअली आज कोई तो हमारे लिए बलिदान होने वाला है, लेट्स ट्राई। चले चलो देन। सो फ्रेंड्स, बैड लक, हमें कोई भी मच्छी नहीं मिली। हम लोग ने करीब करीब 1.25 घंटा स्पेंड किया। मछलियां है, सब है, सब मतलब सब तरह के मछलियाँ नहीं है, छोटी छोटी मछलियाँ है। बट वो क्या है कि जो हम लोग जिसको चारा डाल रहे, जो छोटा छोटा दाना डाल रहे, हम लोग एक्चुअली आटा हम लोग डाल रहे खाने के लिए, बट वो लोग आटा खा के जा रहे। ये देखो, ये देखो, इतना कसरत कि हम लोग दलदल से भी निपटा लिए। दलदल है यहाँ पे कहीं कहीं पे, कोई कोई स्पॉट पे दलदल है, हम लोग का पैर फिसल रहा है एंड ऑल दैट, बट कोई नहीं, थोड़ी बहुत हम लोग ने कसरत की। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मस्त यार, एकदम फिश नहीं मिला यार वही। हाँ, फिर भी मस्त यार, आज मस्त एकदम पका के तवा फ्राई एकदम मस्त करके चबा जाते थे मस्त। कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम लोग का अनसक्सेसफुल प्लान रहा, बट हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट किया है वो नेक्स्ट टाइम हमारे काम आएगा। और फिलहाल वहाँ पे सनसेट हो रहा है, तो अपन अभी हमारे सामने कैंपिंग जहाँ पे हमारा टेंट पिच किया है, वो हम लोग टेनेट पे जाके हम लोग हैमॉक लगाएंगे। हैमॉक लगा के थोड़ा बहुत आराम करेंगे, आधा आधा घंटा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे के बाद हम लोग फिर कुकिंग करेंगे, थोड़ा लाइट है, लाइट डेकोर किया है। सो बाय द वे आपको साइट कैसा लगा गाइस? 360 व्यू भी बताया आपको, थोड़ा बहुत कुकिंग बताया, टेंट कैसे लगाया हम लोग ने, किस हालात में लगाया टेंट, बहुत तकलीफ था। हम लोग ने अभी खिले ठोक दिए हमारे टेंट के नीचे, पता है, पता नहीं अभी ऐसा लग रहा है कि घर वाले बोलेंगे कुछ दिनों बाद कि भाई तू टेंट वेंट ले लिया, तेरा घर का गुजारा बसारा ऐसे ही कर ले, अच्छा है तू, सब कुछ तो है तेरे पास, अभी गैस है, स्टूल है, चेयर है, टेनेट है, सब कुछ है, तो घर पे आने की ज़रूरत क्या है, किधर तो क्वारंटाइन हो जाता हूँ मैं, ऐसा आइडिया अच्छा है वैसे, बट नहीं, माँ बाप के बगैर नहीं जी सकता है मैं। माँ बाप मेरे बहुत प्यारे हैं, मिलाऊंगा दोनों से, पिताजी से तो मिला है आपको, माँ से भी कभी मिलाऊंगा।
फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह कर रहे हैं कैंपिंग। कोई भूत नहीं, कोई जानवर नहीं, बहुत मजा आ रहा है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो प्रिपरेशन चल रहा है हमारा। ये टोमेटो कट करके हो गया, और ये रहा चिकन, हमारा प्यारा चिकन जिसने हमारे लिए बलिदान दिया है। वो सुहाना चिकन तंदूरी, वहाँ पे एक रैप पड़ा है, वो पूरा प्रिपरेशन में डाला हुआ है अच्छा खासा। और कटिंग हो रहा है यहाँ पे, अनियन कटिंग भी हो रहा है यहाँ पे। दोपहर का पनीर पड़ा है, और अभी हम लोग बनाने वाले हैं कुछ चावल। यहाँ पे हम लोग का दो गैस है वैसे भी, इसी पे हम लोग कुक करने वाले। ऑयल, वाटर, नमक, मसाला, हल्दी पाउडर, बहुत कुछ सामान है इधर। तो इस तरह से हम लोग का पीछे टेंट, टेनेट तो आपने देखा ही रहेगा, टेनेट तो आपने दिन में देखा रहेगा। तो फिलहाल बहुत हवा है यार, हवे से हिल रहा हूँ मैं, सीरियसली। चलो अभी कुछ खाना खाया जाए।